शनिवार को धनबाद के डॉक्टर चैम्बर में नहीं सड़क पर थे। कोलकाता कांड के खिलाफ शनिवार को धनबाद के डॉक्टर सड़क पर नारेबाजी करते चल रहे थे। नारे लगा रहे थे कि वी वांट जस्टिस, ममता सरकार होश में आओ, दोषियों को फांसी दो, पीड़ितों को न्याय दो, झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। डॉक्टरों के मन में काफी आक्रोश साफ साफ दिख रहा था। झारखंड सरकार से भी उनकी नाराजगी थी। कह रहे थे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की फाइल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखला रही है। वैसे आज पूरे देश में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को बंद रखा है। रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रहेगी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद पूरा देश उबल रहा है। समाज का हर तबका उद्वेलित है। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी। धनबाद में सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने क्या कहा, आप ही सुनिए। आज ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना के कारण जो कलकत्ता में हुआ है, हमारे एक सहपाठी सहयोगी चिकित्सक के साथ निर्मम हत्या हुई है। खैर वो तो सबको जानकारी है, लेकिन हम लोग को चिकित्सकों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, विशेषकर झारखंड में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। झारखंड की स्थिति ये है भी कि हर चिकित्सक भयभीत होकर काम करता है, डेड बॉडी भी लाता है, अगर डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है तो तोड़फोड़ और मारपीट शुरू हो जाती है। हम लोग प्रोटेक्शन खोज रहे हैं, जो आज हम 6 साल से IMA के फोरम से डिमांड कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, सब लोग एश्योरेंस दिए हैं और बैठ के घंटों बात हुई है और फाइनलाइज होकर रखा हुआ है। उन लोग का था कि मरीजों के लिए क्या है, तो हम लोगों ने मरीजों के लिए बताया कि क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ है मरीजों के लिए, उनके सुविधा के लिए भी है, हमारी सुविधा के लिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। विधानसभा के पटल पर हुआ, बिल पास होने ही वाला था कि मुख्यमंत्री ने इसे विड्रॉ कर लिया कि हम इस पर प्रवर समिति को भेजेंगे। आज प्रवर समिति का हुआ, स्पीकर महोदय से मिले, स्पीकर महोदय ऑर्डर किए कि एक महीना के अंदर इसमें डिसीजन हो जाइए। आज 1 साल होने चला है, कोई डिसीजन नहीं हुआ, स्पीकर का भी बात नहीं सुन रहा है। हम लोग तो खाइए, आप लोग, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब सेंट्रल रूल के लिए ज़्यादा हम लोग करवा रहे हैं कि जब सेंट्रल से कानून बन जाएगा तो इनकी कोई नहीं पूछेगा, फिर इनको तो मानना ही होगा। हमारा ये कहना है कि जैसे अभी तुरंत इस दुर्घटना के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को किसी भी मैन हैंडलिंग या किसी मिसहैप के 6 घंटे के अंदर FIR करना है, ये देशव्यापी हो गया। उसी तरह से सेंट्रल प्रोटेक्शन इसलिए हम लोग कह रहे हैं, शायद केंद्रीय सरकार ज़्यादा संवेदनशील होगी, सो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और साथ साथ हमारी महिला डॉक्टर्स जो काम करती हैं, आप आइए सामने, डॉक्टर नूपुर, यस, ये लोग जो साथ में काम करती हैं, इनका वर्कप्लेस जो है, इनका वर्कप्लेस सुरक्षित हो। अभी मेडिकल कॉलेज में जो होमगार्ड्स हैं, एक हमारी सीनियर जेड ने कहा कि सर वो क्या हमारी रक्षा करेगा, उसको अगर हम धक्का देते हैं तो गिर जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। फोर्स वगैरह उसी को हॉस्पिटल में दे दिया जाता है, जो कहीं कुछ काम नहीं कर पाता उसी को दिया जाता है, होमगार्ड को दे दिया जाता है। आप PMC की हालत देखिए ना, डेली यहाँ घटना हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि अब भी वर्क प्लेस है जहाँ पे चिकित्सक हमारे रात्रि सेवा में कार्यरत हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं रहती है ज़्यादातर जगह पे, न वॉशरूम की सुविधा रहती है, न किसी तरह का प्रोटेक्शन होता है। तो ये हमारी मांग है कि डॉक्टरों को जब तक सुरक्षित वातावरण नहीं दिया जाएगा, हम अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है सेवा करना, सुरक्षा के चलते ही, सुरक्षा के कारण क्या है, में डॉक्टर आते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के छोड़ के चले जाते हैं। हर जगह मेडिकल कॉलेज में कितना सीट खाली पड़ा हुआ है, डिरिकॉग्निशन का डर हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं। सरकार के जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती है, सरकार कभी नहीं जगती है, बाहर के वेट करती है कि कोई दुर्घटना हो, ऐसा भयंकर घटना हो तबे हम जगेंगे, ये गलत नीति है। बाहर से डॉक्टर जो है वो तो बात अलग है, यहाँ के लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भाई हम कहीं बाहरी दूसरे जगह सेटल करें, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है कार्य करने लायक नहीं रह गया है। हम लोग तो चूंकि पुराने लोग हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो हम किसी तरह से काम कर लेते हैं, लेकिन ये जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, एक सुरक्षित वातावरण नहीं देगी, ये काम बहुत ही मुश्किल है हम लोगों को काम करना। देखिए, मन में आक्रोश है क्योंकि
माता पिता अपने बेटे बेटियों को इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतना खर्च करके पढ़ाते हैं, इतना त्याग करते हैं, अब उसके बाद उनके बच्चों के मन में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो देश की सेवा करेंगे और वहाँ जा कर के उनके साथ ऐसे विभत्स घटना होती है और उनकी मान मर्यादा का भी होता है, जान भी चली जाती है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये कुकर्म कर रहे हैं उनको बचाने का हर उपाय किया जाता है, तो समाज को ये देखना होगा कि उसको किस तरह का समाज चाहिए। ये बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना है और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। सर, आप लोग की तरफ से क्या मांग है? हम लोगों की तरफ से यही मांग है कि जस्टिस मिलना चाहिए, जो गुनाहगार हैं वो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, एकदम फांसी की सज़ा हो और हर हॉस्पिटल में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो ताकि इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो। सर, आज पेपर अखबार में भी आया है कि पीड़िता के माता पिता जो है वो राशि दे रहे थे सरकार के तरफ से, उसका फल नहीं लेने से इनकार किया, मांग किया कि इंसाफ। सही बात है, पैसा लेने से या पैसा दे देने से किसी का बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा, उनके सपने वापस नहीं आ जाएंगे, उनकी एकमात्र बेटी जो थी वो अब इस दुनिया से नहीं, वो किस सहारे जिएंगे, पैसा लेकर वो करेंगे क्या आखिर। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें लड़कियों को सेफ्टी चाहिए, कहीं भी वर्कर्स है, नाइट ड्यूटी हो, डे ड्यूटी हो, बिल्कुल सेफ्टी ही चाहिए और जो भी दुर्घटना हुआ है उसकी सजा होनी चाहिए। और ये 5 साल 10 साल की नहीं, बिल्कुल जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके वो सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। काफी डिले हो गया है, बहुत ज्यादा डिले हो गया, काफी जगह जस्टिस को वेट नहीं करना है इसको, और हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। लोगों को जल्दी से जस्टिस चाहिए, इस तरह का लड़कियों को हम लोग पढ़ाते हैं, डॉक्टरों को सब लोग इतना इज्जत के साथ देखते हैं, उसी वर्ग के साथ इतना घिनौना अपराध, ये बहुत गलत है। और डॉक्टरों की सेफ्टी का जो कानून है जो अभी भी टंगा हुआ है, लेट हो रहा है, वो पास होके जल्दी से आना ज़रूरी है। आज जो हम लोग सभी लोग धरना दे रहे हैं जिसमें सभी की सहभागिता है, जितने भी चिकित्सक हैं, पारा चिकित्सा कर्मी हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, सभी लोगों का, IMA का, इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, झांसा का, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग है, क्योंकि ये जो छेड़छाड़ हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, ये हमारे चिकित्सक कर्मी, सारे चिकित्सक कर्मियों के साथ हो रही है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सजा मिले।